अस्सलाम वालेकुम। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अगेन चाय कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट वो कॉइन्स या वो कॉन्सेप्ट है कि जो बाकी तमाम मार्केट को डिक्टेट कर रहा था कि अभी किस डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन, फियाट करेंसी के अंदर आपका डॉलर, ये गोल्ड कहलाता है। इसका सीन ये होता है कि ये तमाम मार्केट को बता रहा था कि वेदर वी आर गोइंग अप हिल डाउन हिल, ये मार्केट को इंडिकेट कर रहा था कि ये ट्रिगर क्या होने वाला है। इससे हम ये भी देखते हैं कि जब आपका बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही होती है, अप्रिशिएट कर रही होती है, तो बाकी के जो छोटे कॉइन हैं, शिट कॉइन्स हैं या आउटलेट कॉइन्स हैं, वो भी वैल्यू में अप्रिशिएट कर जाते हैं। और जब बिटकॉइन डिप्रिशिएट कर रहा होता है, तो बाकी कॉइन्स भी हल्के हल्का ट्रिगर डाउन इफेक्ट में डिप्रिशिएट करने लग जाते हैं। ऐसे कॉइन्स जो कि मार्केट के डिक्टेट कर रहे हैं, उन्हें गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड मार्केट कहा जाता है। सेकेंड आता है ओल्ड कॉइन्स, ये वो कॉइन्स हैं जो कि गोल्ड कॉइन्स के ऑल्टरनेट यूज़ हो सकते हैं या उनके सेकेंडरी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन का ओल्ट हो गया इथेरियम, उसका डॉलर का ओल्ट हो गया फॉर एग्जांपल येन, तो ये कॉइन्स जो हैं ये ऑल्टरनेट कहलाते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं शिट कॉइन्स या स्कैम कॉइन्स, ये प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बहुत कम होते हैं, इनका स्कोर रेशियो अनडिनाइबली होता तो है बट बहुत कम होता है, और इसलिए इन्हें शिट कॉइन या स्कैम कहते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 10,000 कॉइन्स इन द मार्केट राइट नाउ। अब इन तमाम कॉइन्स में से अच्छी वाली प्रोबेबिलिटी, अच्छी वाली वैल्यू जो है वो शिट या स्कैम कॉइन्स की है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये कामयाब नहीं होते हैं या दे आर ऑलवेज बैड इन्वेस्टमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये देर इज़ अ वेरी बिग स्केलेबिलिटी फैक्टर टू इट एंड देर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर टू इट एज वेल, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड बी अवेयर ऑफ वट वी आर गोइंग इन टू। लास्ट स्टेप जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है शीलिंग का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जब आप कॉइन मार्केट के अंदर स्कैम कॉइन्स को या शिट कॉइन्स को प्रमोट कर रहे होते हैं या उसके लिए कोई इवेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, तो इस सारे अमल को फिर शीलिंग कहा जाता है कि आप स्कैम कॉइन्स को या शिट कॉइन्स को प्रमोट करें, तो इस स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को हम शीलिंग भी कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन तमाम चीज़ों के बेहतर अंदाज होते हैं, अब उन कॉन्सेप्ट को वन बाई वन गो थ्रू करते हैं। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी लार्ज फुल, और ये पूरी मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट करता है, चाहे आप वेरी कस्टम डीलर हो, बहुत देर से ट्रेडिंग कर रहे हो, न्यू ट्रेडर हो, ये कॉन्सेप्ट आप पे लागू होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। बेसिकली इसमें आप लोगों को फेयर एंड मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपको एक एडवांटेज मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ए बी सी कॉइन है जिसका मुझे पता है कि वो मार्केट ऊपर जाने लगी है, और मैं मार्केट में अफवाह फैला देता हूँ कि भैया ये मार्केट डंप होने वाला है, तो हर कोई अपना मार्केट जो कॉइन है वो डंप कर देगा मार्केट में, मैं मार्केट में से कॉइन उठा लूँगा और इन द लॉन्ग टर्म पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ से बचने के तरीका बेसिक यही है कि आप रिसर्च करें और देखें कि एक्चुअली ये बात जो बताई जा रही है सच है कि नहीं है। आखिर में आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, तो ओवरऑल ये वही गलत हो रही है। आगे है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी एक बहुत प्रोबेबल फियर है। बेसिकली होता ही है कि जब आप किसी चीज़ में देखते हैं कि सब लोग वो काम कर रहे हैं और आपने अब तक नहीं किया, तो आप पैनिक बाई करते हैं। उस पैनिक बाई के अमल के दौरान में आप अक्सर वो चीज़ें बाई या ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती या जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ना हो। तो इस फियर ऑफ मिसिंग आउट को भी एक रियलिटी के तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो इमोशन है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी पैनिक बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रेडिंग का काम एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, इसे आपको सोच समझ के हर ट्रेड को लेकर चलना होता है। इसलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट एक रियल फिनोमिना है, इसे ऐसा रियल फिनोमिना समझें और अपने आप को इससे बेहतर करें ताकि इस फिनोमिना के अंदर आप फंस ना पाएँ। सेकेंड है होडल, इसे होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ भी कहा जाता है, और इसमें बेसिक होता ही है कि आप एसेट्स को एक लॉन्गर पीरियड के लिए गेन कर लेते हैं। जितना इसमें लिखा है ना कि होल्ड ऑन टू द एसेट फॉर योर डियर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ के लॉन्ग पीरियड के लिए एसेट को पकड़ और पकड़े रख लिया। अब इसका सीन ये कि ये आपने जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उठा लेना होता है कि दिस एसेट इज़ गोइंग टू स्टे विद मी एंड स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये कॉन्सेप्ट अपने पास बिठा लेंगे, तो आप उस जो आपने एसेट बाय किया उससे मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपके प्रॉफिट की आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप उसके कम प्रॉफिट पे ही आप उसे सेल आउट कर देंगे, आप मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं रीच कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड,
बिडर। बेसिकली दिस मींस कि आप अपना नया फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बाकी फाइनेंशियल सिस्टम पे कैसे असरअंदाज होगी आपके, और आप इन दोनों के एक साथ कैसे लेकर चलेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू तब जाते हैं जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी और लोकल फियाट करेंसीज को मिला के चलती हैं और एक नया डीलिंग करते हैं इस मेथड के अंदर। सेफ बेसिकली मीन्स दैट योर फंड्स आर सेफ एंड इट्स गुड टू गो विद। आपको आपने अपने फंड्स को सेव कर लिया, आपने कोई चीज़ पीछे छोड़ी नहीं है, आपने 2FA ऑथराइजेशन लगा ली, आपने वॉलेट सिक्योर किया हुआ है, आपने अपने जो सिक्योरिटी की है उन्हें संभाल रखा हुआ है। तो बेसिकली ये उस चीज़ से बात इसकी चलती है कि अपने आपको सिक्योर रखना, ओवरऑल अपनी IDs को सिक्योर करना, अपने वॉलेट को सिक्योर करना, अपने कॉइन्स को सिक्योर करना, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले भी कई दफ़ा पता होगा। बेसिकली दिस मीन्स कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की किसी सर्टन एसेट के अंदर और कितनी देर के बाद आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, आप उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो जो आप उससे प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हैं वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लाएगा। ऑल टाइम हाई से माना जाता है कि एक सर्टन टाइम पीरियड के ऊपर आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पहुँची है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर के अंदर में ये जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था वो था 49,526 US डॉलर। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कैंडल स्टिक से करके सही दिखाता हूँ। लेट्स लुक एट हियर। तो हम बिटकॉइन के अंदर जाते हैं कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम की वेबसाइट के अंदर, और इस वेबसाइट के अंदर जाके 1 ईयर का पैटर्न लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम जो उसे मिला था यहाँ पे वो मिला था उसे 63,503 US डॉलर का। ये उसका ऑल टाइम हाई है। अगर हम लो में देखें इस 1 साल के अंदर तो सबसे ज़्यादा लो यहाँ पे था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, विच वॉज अराउंड 11,322 US डॉलर। आप चेक कर सकते हैं कि इसका ऑल टाइम लो क्या है, ऑल टाइम हाई क्या था। आपको इसकी पोटेंशियल का आइडिया हो जाएगा कि इसकी पोटेंशियल अभी तक कहाँ तक रेंज कर रही है, आप इसे कितना फ़ायदा कर सकते हैं। अगर हम लास्ट 24 आवर्स का हाई और लो देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो लोएस्ट गया है वो 56,868 तक गया है, और जो हाईस्ट गया है वो 59,924 तक गया है। कॉइन मार्केट कैप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि वहाँ पे जाएं और इन तमाम चीज़ों को एक बार गौर तो करें। दिस विल रियली हेल्प यू आउट विद द ऑल आउट ऑफ थिंग्स। ऑल टाइम लो जिसे हम पहले बात करते थे, जैसे ऑल टाइम हाई होता है उससे एक ऑल टाइम लो होता है कि एक सर्टन गिवन पीरियड के अंदर आपका सबसे ज़्यादा कॉइन कहाँ तक मार्केट अप्रिशिएट लेके गई है, उसे कितना डिप्रिशिएट किया है। इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए हम उसका ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो कैलकुलेट कर देख सकते हैं, और उसकी जो पोटेंशियल है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट एंड आई रियली रियली एडमायर दिस कि कभी भी किसी भी चीज़ पे आप ट्रस्ट ना करें, हमेशा उस चीज़ को डबल चेक करें, उसे वेरीफाई करें कि वेदर द थिंग्स यू आर हियरिंग राइट नाउ मार्केट में आप सुने हैं, किसी फेसबुक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सुने हैं, कभी भी आप सिर्फ वो बात को सुन के उस पर यकीन ना करें, हमेशा उस बात को वेरीफाई करें, क्रॉस रेफरेंस करें। और जब तक आप उस बात को क्रॉस रेफरेंस नहीं कर सकते हैं आप उस बात पर कोई सेल या परचेज ना करें। वही बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो स्मार्ट लोग हैं स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, हमेशा डिलीजेंट होना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अपने आप को डिलीजेंट रखें, एक्टिव रखें, और अंडरस्टैंड के मार्केट के कॉन्सेप्ट में लोग आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नुकसान करेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल्स एंड आई ऑलवेज प्रमोट कि आप हमेशा रिसर्च करें, कभी भी एक पार्टी की ना सुने, हमेशा मल्टीपल पार्टी से क्रॉस रेफरेंस करें और अथॉरिटी वेबसाइट्स को जाके चेक करें जिनका आपको यकीन है कि ये लोग चीट आउट नहीं करेंगे। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके अंदर बेसिकली कुछ रेगुलेशन होती हैं जो कि गवर्नमेंट्स इम्पोज करती हैं टू स्टॉप सर्टेन क्रिमिनल्स फ्रॉम हाइडिंग देयर मनी। और जो क्रिप्टो करेंसी है उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी बना दिया है, क्योंकि चूँकि इसके अंदर हर कोई दोनों पार्टीज अनोनमस रहती हैं, तो इसलिए ये गवर्नमेंट्स को अच्छा नहीं लगता ये करेंसी का मेथड। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस के दैट वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी सच ट्रेड दैट कम्स इन टू दिस टर्म एंड इन मनी लॉन्ड्रिंग और इन एनी ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ना। सो वी नीड टू बी बीवेयर ऑफ दिस एंड मेक आर सेल्फ अ बिट मोर डिलीजेंट लाइक आई सेड बिफोर, बी अ बिट मोर सिक्योर टू से द लीस्ट। आई होप ये जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट रीड किए हैं आप लोगों को समझ में आएंगे कि दे आर वेरी बेसिक एंड फॉर्मुलेटिव इन नेचर। कोई क्वेश्चन तो जरूर से आप तक कीजिएगा। दिस इज़ मोहम्मद मुस्लिम साइनिंग ऑफ फ्रॉम सफिशिएंट मार्केटिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।